देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम। सबसे पहले हम लोग तीन कैटेगरी वाइज हम लोग बांटते हैं, जो ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन। तो उसमें हम लोग को देखना है अगर माइल्ड सिम्टम, देखिए उसमें होता क्या है कि सिम्टम्स माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर होता है। माइल्ड सिम्टम है उसमें हम लोगों की ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम लोग विटामिन सी का प्रयोग करें, गर्म पानी का प्रयोग करें, गार्गल करें, मल्टी विटामिन वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद मॉडरेट जब हम लोगों को होता है उसमें देखना यह है कि किसी तरह का गले में इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है, थ्रॉट इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है, ये सब। अगर वो थ्रॉट इन्फेक्शन आ रहा, घर में मेनली हम लोग जब देखते हैं तो देखना ये है कि जब जो पेशेंट बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में हो रहे हैं उनको कोरोना से ब्लड में सेचुरेशन लेवल कम हो जाना, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए सबसे पहले घर में एक ऑक्सीमीटर करके आता है, एक डिवाइस आता है, उस ऑक्सीमीटर को हम लोगों के पास रखना है या नहीं उपलब्ध है आप मार्केट से ले सकते हैं। उस ऑक्सीमीटर में देखना है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन की मात्रा होती है वो अमूमन जो होती है 100% होती है, 99% होती है अमूमन, लेकिन देखना ये है कि कहीं वो 94-93 से नीचे तो नहीं आ रहा है वो स्केल। अगर वो नीचे आ रहा है, 90 से नीचे आ जाता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आसपास जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे रास्ता कायम करें और वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी पूरा ऑक्सीजन आप फुल सेचुरेशन पर लेते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा तब भी आपका नहीं हो पाता है, तब उस कंडीशन में हम लोग सीवियर की तरफ जाते हैं, तब आप हॉस्पिटल में एडमिट हों। उस पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं कि आप सेचुरेशन पूरा फुल सेचुरेशन ऑक्सीजन लेवल पे ले लिए और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आपके बॉडी में 90 से मेंटेन नहीं कर पा रहा, 90 से बिलो है, उस कंडीशन पे हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र में भी एम्स हो गया या NMCH हो गया या PMCH को कोरोना वार्ड बनाया गया, कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया, वहाँ आप एडमिट हो सकते हैं। ये आम आदमी को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर कोई सिम्टम्स आ रहा है, जैसे बुखार आ रहा है, उसके बाद खांसी आ रहा है, सर्दी आ रहा है, बॉडी में पेन है, हेडेक आ रहा है, ये सबसाइड होने का सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, अपने सांस को लंबा, अपने रिलैक्स होना है, लंबा सांस को खींचना है और लंबा सांस खींचने के बाद उसको हम लोग काउंट करेंगे, जो सरल भाषा में बोलते काउंट करेंगे, तो 1-2-3 करके आप देखते हैं। अगर वो 20 से ज़्यादा काउंट कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात है, या घर ही देख कर हम लोग देखते हैं कि मोर देन 30 सेकेंड या 35 सेकेंड के लिए अगर होल्ड कर रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं। इस अवस्था में आप घर में ही आइसोलेट हों, अपने आप को आइसोलेट रखें, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होता है, जैसे चेस्ट में पेन आ जाना या सांस लेने में दिक्कत हो रहा है आपको, आप ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अवस्था में आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहां किसी भी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। और आपको सबसे मेनली ये देखना है कि आपके जो सेचुरेशन लेवल है वो 90 से नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे ही 90 से नीचे जा रहा है आप अपने आप को किसी भी संस्थान में, किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप एडमिट कराएं। देखिए अगर आप किसी संक्रमित पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये डेवलप होने में 4 दिन लग जाता है, 4 से 5 दिन लग जाता है, तो 2-3 दिन में घबराने की कोई बात नहीं। जो भी फ्लू आता है वो एक्यूट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं 2-3 दिन में आता है। अगर वो मोर देन 4 डे है, 5 डे फीवर अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में थोड़ी चिंता की बात है, बहुत ज़्यादा भयभीत होने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, वो लोग ठीक हो रहे हैं। अपने आप को इम्यून सिस्टम बढ़ाएं, अपने आप को बिल्डअप करें, अपने आप को होम आइसोलेशन में रखें, अपने आप को जो प्रिकॉशन है, लाइफस्टाइल है, उसको ज़रा चेंज करें, कोरोना अपने आप ठीक हो जाता है। और 14 डेज तक अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे पेशेंट के या किसी ऐसे मनुष्य के कांटेक्ट में आ गए हैं जो सस्पेक्टेड केस ऑफ कोरोना है, तो अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लें 14 डेज के लिए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको बुखार आ रहा है तो सबसे पहले आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करें, अपने बुखार को जांच करें। अगर बुखार 99 से ऊपर है तब आप देखिए कि फीवर किस तरह से आ रहा है, सुबह शाम करके आ रहा है या कंटिन्यू फीवर आ रहा है। अगर कंटिन्यू फीवर है तो उस अवस्था में हम लोग पारासीटामोल 500 mg सुबह शाम सेवन करें। उसके बाद एंटीबायोटिक एक ले सकते हैं, जैसे कि सेफेक्सिन हुआ,
एमोक्सिक्लेव हुआ या कोई भी चीज़, हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट में कफ आ रहा है या उनको सर्दी और खांसी का भी आ रहा है, तो उसमें जो गले में इन्फेक्शन है उसके लिए हम एजिथ्रल या कफ सिरप वगैरह अमूमन ले सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ कोरोना में, कोरोना की तरफ हम लोग जाते हैं, तो ये दवा चेंज हो जाती है, इसके सिम्टम्स भी चेंज हो जाते हैं। तो नॉर्मल फ्लू के लिए हम लोग पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। कोरोना पेशेंट में ये बहुत ही लाभदायक है। एक्चुअली उसका जो इंग्रेडिएंट है घर में ही बन सकता है। रेसिपी जो है, एक्चुअली गर्म पानी लें, उसमें दो चार तेज़पत्ता लें, दालचीनी लें, लौंग लें, उसमें तुलसी का पत्ता डालकर उसको 10 से 15 मिनट तक खौला लें। खौलाने के बाद उसको एक चाय छन्ने से छान के उसमें नींबू का रस डालें और उसका सेवन दिन भर में 3 से 4 बार करें। और जब भी आप सोने जाएं, बेड टाइम पे गर्म पानी का इस्तेमाल करें और अमूमन 3 से 4 बार गार्गिल करें और गर्म पानी का सेवन करें और अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप करें। कोरोना जो है बहुत ज़्यादा महामारी वाली बात नहीं है। नाउ डे हम लोग देख रहे हैं जो यंग पेशेंट हैं उनमें कोरोना की खतरा नहीं है, जो कि पहले से जिनकी इम्यून सिस्टम कम है, जो ओल्ड एज के हैं, जिनकी बीमारी है जैसे कि डायबिटिक हो जाना या हाइपरटेंशन हो जाना, इन लोगों में कोरोना होना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन यंग पेशेंट में कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है। कोरोना हो भी रहा है, कोरोना ठीक भी, इसमें रिकवरी रेट जो है बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग रिकवर कर रहे हैं कोरोना से। स्वागत है आपका AVR होटल्स एंड बैंक्वेट्स की बेस्ट हॉस्पिटलिटी में। AVR ऑफर करता है वर्ल्ड क्लास रूम विद ऑल मॉडर्न फीचर्स, जहां आप पाएंगे अपनी जिंदगी के हर बेहतरीन पलों का आनंद। फाइन डाइन कजिन के लिए प्लाटेज रेस्टोरेंट, मैग्निफिकेशन बैंक्वेट्स हॉल, कॉर्पोरेट इवेंट्स और मीटिंग के लिए कस्टमाइज लेआउट्स, शादी, एंगेजमेंट्स और बर्थडे जैसे पारिवारिक समारोह के खास सेटअप्स। द AVR होटल्स एंड बैंक्वेट्स एवं बिग बाजार, राजा बाजार, पटना। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.